जी क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मी। तुम्हें किसने बताया? मुझे हसीब ने। हसीब को कैसे पता चला? अरे पूरे शहर में घूमते फिरते हैं, जाना होता उस तरफ भी, चची की तरफ। चल गया होगा पता कहीं से, क्या गुल खिलाते फिर रहे हैं चची के बच्चे। किन मुझे उस्मान ने कुछ नहीं बताया। भी क्या पता उस्मान को भी ना पता हो। नहीं, कल परेशानी में गया तो था, मुझे कहने लगा कि मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, वहीं गया होगा ये। मुझे लगता है उस्मान को भी आदत पड़ गई है शफक वाली झूठ बोलने की। आता है तो पूछती हूँ उससे। चले अम्मी, बहुत काम है मुझे, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा रखती हूँ। चलो शुरू करो। अम्मी खुर्रम कहाँ है? अपने कमरे में। और कहाँ है? आप उसको बुलाए ना खाने पर। कहा था मैंने, कह रहा मुझे नहीं खाना खाना। सारा तुम जाओ खुर्रम को बुला के लाओ। बुला रही हूँ। खुर्रम भाई कह रहे हैं कि वो कमरे में ही खाएंगे। क्यों? मुझे क्या पता इस बारे में, क्यों का जवाब नहीं दिया है उन्होंने मुझे। अच्छा मैं खुद लेकर आती हूँ उसको, देखना फिर झगड़ा करेंगे उससे। खुर्रम, खुर्रम मैं तुम्हें कमरे में देखने गई, तुम यहाँ आ गए। खुर्रम मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कहिए आपी। सुन रहा हूँ मैं। तुम खाना खाने क्यों नहीं आ रहे हो नीचे? क्योंकि अब से मैं खाना आप लोग साथ नहीं खाऊंगा आपी, मैं अपने कमरे में खा लूंगा। क्या मतलब? मतलब आप कुछ भी समझे आपी। मैं बहुत जल्दी घर छोड़ दूंगा। तुम मुझसे नाराज हो? अच्छा तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, और वो भी उस्मान भाई के सामने। लेकिन खुर्रम तुम अपनी गलती भी तो तस्लीम करो। ये बात बाद में भी हो सकती थी आपी, उस्मान भी तो घर का फर्दी है। अभी बने नहीं आपी। खैर छोड़ें, आप नहीं समझेंगी। अच्छा मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, तुम मत नाराज हो, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। और देखो तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे फिक्र है तुम्हारी। मैं क्या करती तुम मुझे खुद बताओ, इस घर में तुम वाहिद मर्द हो, तुम्हें नहीं पता ये बात, मैं कितनी फिक्र करती हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है हम लोग रात भर सो नहीं पाए। अच्छा ये बातें छोड़ो, खत्म करो ये सब, चलो आओ चल के खाना खाते हैं। आओ ना चलो। गलती मेरी नहीं होती, फिर भी सबसे मुझे ही माफी मांगनी पड़ती है। उस्मान जी। अम्मी सुना है कि तुम्हारे साले को पुलिस पकड़ के ले गए थे। कौन? अपना फुर्रम? नहीं, अपना फुर्रम। ये कब हुआ? कल ही का तो वाकया ही। आपको किसने बताया? अब इस बात को तुम रहने दो, ये बताओ कि ये सच है या नहीं। जी लेकिन ये हुआ क्या था? वो उनके साथ शरीक नहीं था, बस वहां मौजूद था, इसलिए पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। तुम क्या आगे झूठ बोल रहे हैं? खुर्रम के जेब से नंबरों की पर्चियां निकली हैं। एक बात बताएं अम्मी, पुलिस के साथ साथ आप भी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। यही समझ रहा हूं। बहुत बुरी हरकत है, इतनी बदनामी हुई होगी मोहल्ले में। अरे राबिया ने बिगाड़ के रखा हुआ अपने बच्चों को। और कौन बिगड़ गया? बस रहने दो, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, सब जानती हूँ मैं जो सारा हरकतें करती फिर रही। नहीं प्लीज आप रहने दे। तुम्हारे अब्बू के सामने बात कर रही हूँ, किसी गैर के सामने तो नहीं कर रही।
अरे पर ये अब सारा ने क्या किया? कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं। बहरहाल खुर्रम का तो बहुत अफसोस हुआ। आज मजीद जिंदा होता तो उस पर क्या गुजरती? हाँ मैंने उसे समझाया है, अभी बच्चा है वो। क्या खुर्रम बच्चे? तुमसे 10 साल छोटा नहीं है? 2-3 साल का फर्क है तुम में और खुर्रम में। जी अम्मी वो अपनी इज्जत से बहुत ज्यादा शर्मिंदा। हाँ तो शर्मिंदा होना भी चाहिए। एक बात बताएं, हम खाना खा सकते हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ छोड़ो ये बातें, खामोशी से खाना खाओ। May I come in, sir? Oh, Kiran, आजो। कैसे रही आपकी मीटिंग? Great. Cool. तुम बताओ, ऑफिस में दिल लग गया तुम्हारा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वो तो पहले दिन से ही लग गया था। चलो खैर, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकती हो। Thank you. Definitely. जी ओके। वैसे लंच कर लिया है आपने? अभी तो नहीं किया। ओके वेल आई वाज वंडरिंग के क्यों ना हम आज लंच बाहर करें। किया जा सकता है ना। Well, Sabahat is busy in a meeting, so if you don't mind, hum dono chale. Haan, ja sakte hain. Yeah, let's go. Yahan kya kar rahi ho? Main Kamal ke saath kuch discuss karne aayi thi. I already told you ke concerned person Salman hai. Aapko jo poochna hai, jo kehna hai, ab Salman se jaake pooch. Okay. आपसे मैं घर जाके बात करूंगी। तुम्हें पता है खुर्रम की वजह से मोहल्ले में कितनी बदनामी हुई है हमारी? कितनी मुश्किल से मैंने पैसों का इंतजाम किया था और फिर मुझे ही जाकर उससे माफी मांगनी पड़ी। तुम शुक्र करो कि उस्मान अच्छा है, ये बात तुम्हारे ससुराल तक नहीं पहुंची। हाँ है तो तुम सही रही हो। मैं तो कहूंगी कि खुर्रम की पढ़ाई छुड़वा दो और उसे नौकरी पे भेजो। ये फैसला मैं नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने मुझे मना किया है कि मैं उसकी जिंदगी का कोई फैसला नहीं लूंगी। एक तो तुम्हारे घर वाले निहायत ही एहसान फरामोश है कसम से। मेरी मोहब्बत का सिला एहसान फरामोशी की ही शक्ल में मिला है मुझे। तुम गम नहीं करो, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए ना, इन सारे मसलों से तुम्हारी जान छूट जाएगी। तो मुझे उससे भी कोई उम्मीद नहीं। ऐसे मत कहो, क्या हो गया है? यार ससुराल ससुराल ही होता है, चाहे वो अपनों का हो या गैरों का। ये तो तुम सही कह रही हो। ताई अम्मी भी ना बिल्कुल अम्मी जैसी। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम्हें पता है मुझसे मेरी तनख्वाह का पूछ रही थी। उनको मुझसे ज्यादा मेरी तनख्वाह में दिलचस्पी है। और शफक कैसे लोग आ गए हैं यार, क्या है ये? अच्छा तुम हौसला रखो, अल्लाह सब बेहतर करेंगे तुम्हारे लिए। मुझे लगता है कि मेरी सास अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी। किस तरह के इरादों में? कमाल की दूसरी शादी करवाने में। तुम्हें ये क्यों लगा है? किरण के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही है वो। मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता दोनों कामयाब भी हो जाएंगे। कमाल बदल रहे हैं क्या? बदल नहीं रहे, लेकिन मुझे डर है कि कहीं बदल ना जाए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मर्द पे भरोसा नहीं करते। ठीक कह रही हूँ कमल। किरण तुम्हारी सौतन बन गई ना,
तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी सबाहत। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर तुम एक काम कर सकती हो सबाहत। क्या करूं मैं? खुद से कमाल की दूसरी शादी करवा दो। देखो अगर कमाल किरण से शादी करते हैं ना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला। किरण बहुत जल्द कमाल को तुमसे दूर कर देगी और उनके दिल से तुम्हारी मोहब्बत खत्म कर देगी। अगर तुम कमाल की शादी ऐसी लड़की के साथ करवाती हो जो तुम्हारे सामने दब के रहे, वो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। कल को उसकी औलाद तुम्हारी औलाद रहेगी और कमाल भी तुम्हारे रहेंगे। तुम्हारी सास भी खुश हो जाएगी और किरण को घर से चलता करना। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा वो सारा और खुर्रम की पढ़ाई कैसे जा रही है? शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छी जा रही है। पढ़ने में दोनों लाइक तो है ना? हाँ हाँ, माशाल्लाह से बहुत पढ़ाई में अच्छे हैं। और मेरा खुर्रम, उसकी तो क्या बात है, पूरी पूरी रात पढ़ता है। सदके जाऊं मैं अपने बच्चे के, मेरे घर के हालात वही बदलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। पहले अपने हालात तो बदल ले। क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ तो है। सुना है कि खुर्रम को पुलिस पकड़ के ले गई थी। किसने कहा है आपको? लो, बहुत सारे लोगों से सुना है। अब चुप क्यों कर गई? वो भाभी असल में पता क्या है, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं था, गलत फहमी में पकड़ कर ले गई थी पुलिस, और कोई बात नहीं। अच्छा गलत फहमी। कहना क्या चाह रही हैं आप? वही जो तुम सुनना नहीं चाह रही। अरे राबिया, तुमने तो औलाद की तरबियत भी अच्छी नहीं की। आप होश में हैं? जो मुंह में आ रहा आप बोले चले जा रही हैं। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ। वैसे राबिया, औलाद की तुम तरबियत अच्छी नहीं कर सकी। सारा कॉलेज के बाद किसी लड़के से मिलने जाती है, सब पता है मुझे। कॉलेज के बहाने क्या क्या गुल खिलाती फिर रही है, और तुम्हारा खुर्रम तौबा है। अरे तुम तो औलाद को पाल ही नहीं सकी राबिया। अरे खानदान पे नजर रखने से फुर्सत मिलती ना तो अपनी औलाद पे नजर रखती कि क्या क्या गुल खिलाती फिर रही है वो। ज्यादा बातें सुनाने की जरूरत नहीं है आपको। बातें नहीं सुना रही, आईना दिखा रही हूँ तुम्हें आईना। अगर हम इतने बुरे हैं तो तोड़ दो ना रिश्ता हमसे, क्यों जोड़ा हुआ रिश्ता? अम्मी ताई क्या हो रहा है ये? हमें बेइज्जत करने आई है, हमारे सरों में खाक डालने आई है ये। ताई क्या कह रही है अम्मी, क्या बात है? अरे बेटा मैंने तो सिर्फ इसे इतना पूछा कि खुर्रम खैरियत से तो है ना। तुम्हारी माँ तो मुझ पे भड़क उठी। मेरे सामने अब ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको भाभी। अम्मी हौसला रखे, थोड़ा बैठकर भी तो बात हो सकती है ना। अब बैठकर किसी किस्म की बात हो ही नहीं सकती, बैठकर बात करने वाली रह ही नहीं गई। हम बुरे हैं ना? हाँ हम बुरे हैं, तो कर दो हमसे हर रिश्ता खत्म। बल्कि आप क्या खत्म करोगी, मैं करती हूँ आपसे हर रिश्ता खत्म। बात करी क्या कर रही है? अरे अम्मी ताई आप कुछ बोल रहे? मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ये लोग इसी काबिल हैं। ये पकड़ो अपनी अंगूठी और जाओ यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें, क्या कर रही हो ये? पागल हो गई हूँ मैं, जाओ यहाँ से। अम्मी संभालो संभालो अपनी माँ को। ताई थूकती हूँ मैं तुम लोगों पे। अम्मी आपने क्या किया? मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, यही करना चाहिए था हमें। दिल चाहता बेइज्जत करने आ जाती है जैसे इससे हम लेकर खाते हैं। देखिए आपने आपको अम्मी आप वहां करने क्या गई थी? अरे मैं तो वहां सिर्फ खैरियत पूछने गई थी। और ऐसी क्या बात कर दी आपने, उन्होंने तो मंगनी ही तोड़ दी। दिमाग खराब हो गया उसका, वो तो शुरू से हम लोगों को पसंद नहीं करती। वैसे आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था, रिश्तेदार है वो हमारी, और अब तो तुम भी उस घर के दामाद होने वाले हो। नुसरत ठीक कह रही है उस्मान, तुम्हारी अम्मी का वहां जाना गलत नहीं था, रिश्तेदार आपस में मिलते ही हैं। अब
अप्पू आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना चची के मिजाज को। अरे तो उसको अपना मिजाज बदलना होगा, जिस तरह वो कर रही है ना हमारे साथ, इस तरह से रिश्तेदारियां नहीं निभाई जाती। यही मैं इसे समझा रही हूँ। जी मैम, समझ रहा हूँ आपकी बात को। अगर समझ रहे हो ना तो जाके अपनी चची को भी समझा देना, चार बातें उसे भी सुना दिया करो। उस घर के होने वाले दामाद हो, रोब और दबदबे से रहो। ठीक है, मैं कल जाके उनसे बात करता हूँ। सुनो, अगर राबिया मान जाए ना तो ये अंगूठी शफक को पहना देना। ज्यादा दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। अच्छा भाई, गुस्सा खत्म कर दो। अम्मी, अम्मी ऐसा क्या कह दिया था ताई अम्मी ने कि आपने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी? ऐसा क्या कहा? दुश्मन बनकर आई थी वो मेरी, चरिका है ना, उसे तो मौका मिल गया ताने देने का। दे ताने बताना, ताने बताना। वो तो कुछ नहीं कह रही थी, आप ही बोले जा रही थी। कुछ नहीं कह रही थी? नहीं, मेरे सामने तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे पागल, मकर कर रही थी वो, इतनी बातें सुनाई मुझे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं तो खुद हैरान थी। जैसे तुझे देखा फौरन मुंह पे ज़िप, दर्द बन गई। अम्मी तो इसमें मंगनी तोड़ने वाली क्या बात थी? थी ना बात, अच्छा किया मैंने, जो मंगनी टूट ही जानी चाहिए थी। क्या कह जा रही हैं आप ये? मैंने जो किया बहुत अच्छा किया, जान छूटी। लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं खत्म करूंगी। तो क्या तुम रिश्ता रखोगी? जी, हम तो नहीं रखना चाहते। आई समझ में बात? ये बात जहन में बिठा लो, जो तुम सोच रही हो वो कभी नहीं होगा। बढ़िया ही मुंह जोर रिश्ते रखेगी ये। दूसरा तुझे तो मैं बताऊंगी, देख लूंगी तुझे मैं। सबा बोले। सुन रही हूँ। आज आपने ऑफिस में किरण के सामने बहुत सख्त रिएक्ट किया। जानती हूँ मैं, मुझे ऐसे रवैये की तवक्को नहीं थी आपसे। मुझे भी आपसे इस तरह के रवैये की तवक्को नहीं थी। मैंने क्या किया? आप जानते हैं ना मुझे किरण पसंद नहीं, फिर क्यों उसके करीब होने की कोशिश करते हैं? मैं उसके पास नहीं गया था, वो मेरे ऑफिस में आई थी। तो उसे वापस भेज देते। कैसी बातें कर रही हैं आप? पहले तो आप ऐसे नहीं थी। लगता है औलाद के महरूम ही आपको दिन ब दिन बदल रहे हैं। शायद। तो अपनी इस महरूमी पर काबू रखें। कैसे? कैसे कमाल? हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। नहीं, मैं किसी और के बच्चे को ना बच्चा कैसे समझ सकती हूँ? फिर आप खुद को समझे सबा, आप बदल रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक किरण की वजह से आपको मुझ में बदलाव नजर आने लगा। बात किरण की नहीं है, ऑफिस के सारे वर्कर्स भी ये महसूस कर रहे हैं, आपसे खौफजदा रहने लगे हैं। मैं अपने कानों से सुन चुका हूं। ये तो अच्छी बात है। फिर क्या खाक अच्छी बात है? याद रखिए, ज्यादा डर बगावत पर उकसाता है। अगर हमारे सारे वर्कर्स हमें छोड़कर चले जाते हैं ना, इससे हमारा ही नुकसान होगा, समझिए आप। ये चची जान ने क्या हरकत की है शफक? उस्मान, तुम जानते तो हो अम्मी को। तुम भी अच्छी तरह मेरी माँ को जानती हो, वो भी गुस्से की बहुत तेज है, सिर्फ और सिर्फ मुरव्वत में रहती हैं। नहीं उस्मान, मुझे मालूम है कि ताई ने बहुत बर्दाश्त किया, सब मेरे सामने ही हुआ था। तो शफक, तुम्हें अपनी माँ को रोकना चाहिए था ना उस्मान। लेकिन मैं जब तक आई बात बिगड़ चुकी थी।
देखो शफक, मैं अपनी माँ की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ उस्मान? क्या करो क्या मतलब, समझाओ अपनी माँ को। तुम्हें लगता है मैं नहीं समझाती होंगी उन्हें? शफक एक बात बताओ, ये क्या बात बात पे चची जान रिश्ता खत्म करने की बात करती है? मुझे क्या लड़कियों की कमी है? कोई मुझे अपनी लड़की नहीं देगा क्या? उस्मान तुम ये क्या कह रहे हो? फिर मुझे बताओ और क्या कहूँ? देखो अम्मी की वजह से तुम मेरी मोहब्बत की तो बेकदरी ना करो। मैं तुम्हारी मोहब्बत की बेकदरी नहीं कर, सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि बात बात पे ये जो चची जान रिश्ते खत्म कर देती ना, ऐसे नहीं होता। और अगर रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं ना, तो नए भी बन जाते हैं, कोई जिंदगी भर किसी के नाम पर नहीं बैठा रहता। अच्छा उस्मान सुनो मेरी बात, दो मिनट के लिए तुम जरा अपना गुस्सा छोड़ो और मेरी बात सुनो। अगर बड़ों में तल्ख कलामी हो भी गई है तो ये हमारा काम है ना कि हम उनको समझाएं, बात को सही करें। देखो शफक, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने माँ बाप की बेइज्जती कराता रहूं। तो कौन कर रहा है उनकी बेइज्जती? तुम अभी भी चची जान की तरफदारी कर रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो कई बार मेरी फैमिली की बेइज्जती कर चुकी है, बल्कि बार बार करती है। अच्छा अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उस्मान अपना गुस्सा खत्म कर दो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, खुदा हाफिज। यहाँ क्या कर रही हो? मैं कमाल से कुछ डिस्कस करने आई थी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कंसर्न्ड पर्सन सलमान है। आपको जो पूछना है, जो कहना है, आप सलमान से जाके पूछिए। दौल गाड़ी बनाती तो पूरी कैसे आती? गुजारा भी तो करना है ना। शफक आपकी कहाँ है? अपने कमरे में। तो बुलाकर लाओ ना उन्हें। जाओ बुला लो उसे, अगर मंगनी टूट गया सोग उसका खत्म हो गया होगा। बुलाती हूँ। मुझे भी दो रोटी निकाल के। जी अम्मी। आप ही? क्या है? खाना खा ले आके। मुझे नहीं खाना, जाओ यहाँ से। क्या भाई, आए ना खा लेना। कहा ना जाओ। क्या मसला है तुम्हें, क्यों नहीं खाना खाना? कुछ पूछा है तुमसे, सवाल का जवाब दो, क्यों नहीं आ रही हो खाना खाने? दिल नहीं चाह रहा मेरा, नहीं खाना खाना। देखो मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया है। ये आपने मेरे भले के लिए किया? हाँ। कमाल हो गया, पहली मर्तबा मेरे भले के लिए सोचा और मेरा इतना बड़ा नुकसान कर गई आप। जो होना था हो गया, उस्मान को भूल जा। मैं उस्मान को नहीं भूल सकती, मैं मंगनी तोड़ चुकी हूँ। मेरी मंगनी अब्बू ने करवाई थी, रिश्ता भी उन्होंने ही तय किया था। आप ये मंगनी नहीं तोड़ सकती, समझिए आप। ठीक है कर दूंगी मंगनी बहाल, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। नुसरत आएगी, आके मुझसे माफी मांगेगी तो मंगनी बहाल करूंगी। जेन में बिठा ले ये बात। और किरण तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? आंटी बहुत अच्छी जा रही है। दिल लग गया तुम्हारा? आंटी दिल तो मेरा पहले दिन ही लग गया था। ऑफिस काम करने के लिए होता है, दिल लगाने के लिए नहीं। तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती सबात, क्योंकि तुम्हारी और कमाल की शादी से पहले मोहब्बत जो है
ऑफिस में तो परवान चढ़ी थी। इंसान को वही बात करनी चाहिए जिस पे वो खुद भी अमल कर चुका हो। क्यों कमाल, मैंने कुछ गलत कहा? कोई भी काम हो ना, इसका तुम कमाले से समझा दिया करो। जी अम्मी, समझा दूंगा। आंटी, कमाल मुझे हर बात बहुत अच्छे से समझा देते हैं। खैर, ये तो अच्छी बात है। वैसे कुछ पूछना हो तो सबात से मत पूछना। क्यों आंटी? सबात बहुत बिजी होती ना, इसलिए कह रही हूँ। कमाल ऑलरेडी सब कुछ इतने अच्छे से गाइड करते थे कि सबात से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबात, खाना खाओ ना। मैंने खा लिया आंटी। कमाल कहाँ चले गए? कमाल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप क्यों इतना हैरान हो रही है? मैं कौन सा आपकी सीट पर बैठी? मेरे शौहर की तो सीट है। आपके शौहर मेरे भी कुछ लगते हैं। मसलन क्या? कमाल मेरे कजन है, दोस्त है मेरे। शौहर का रिश्ता, ये कजन और दोस्त, इन सब से बहुत बढ़कर होते हैं। वो तो मैं अमेरिका चली गई और खानदान में कुछ इश्यूज हो गए, वरना कहानी कुछ और होती। अच्छा, क्या होती स्टोरी? अरे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग वैसे ही कुछ डिस्कस कर रहे थे। क्या? जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे कि अगर ऐसा ना होता तो वैसा होता, और अगर वैसा ना होता तो ऐसा होता। Excuse me. किरण क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं, मैं आती हूँ। क्या हुआ है उस्मान? तुम अम्मी की बातों पर अभी तक गुस्सा हो? मैंने अम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांग तो ली है। अच्छा ना, ठीक है। अम्मी की तरफ से तो मैंने माफी मांग ली, लेकिन ताई अम्मी की तरफ से कौन माफी मांगेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अम्मी भी यही कह रही थी कि ताई अम्मी ने उनकी इतनी बेइज्जती की है। क्या क्या बेइज्जती की है उनकी, बताओ। ताई ने अम्मी को खुर्रम के ताने दिए और सारा कॉलेज का कह के पता नहीं कहां कहां जाती है ये सब भी बोला है। नहीं नहीं नहीं, चची जान झूठ बोल रही है। उस्मान, अम्मी झूठ नहीं बोल रही, ताई ने ऐसा ही कहा होगा। ठीक है, फिर मैं जाके आज अम्मी से पूछता हूँ। तुम्हें लगता है ताई अम्मी मान लेंगी कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा है? शफक, मैं फिर भी जाके उनसे पूछूं। और अगर ताई अम्मी ने मान लिया कि उन्होंने ऐसा ही कहा है तो मैं खुद जाके चची जान से हाथ जोड़कर माफी मांगू। खुश? अब खुश हो गए क्या? कब? वो ठीक तो है ना? कहाँ है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ, आती हूँ मैं। क्या हुआ, खैरियत? कमाल, वो मेरी कजन है ना, खतीजा बाजी। हाँ हाँ। कि तबीयत पता नहीं ठीक नहीं है। ओ, उनकी मिलाज़मा की कॉल आई थी मुझे। मिलाज़मा की कॉल आई थी? फिर तो आपको जाना चाहिए लाहौर।
योर वाइफ डेफिनेटली मुझे जाना चाहिए क्योंकि उनके हस्बैंड भी यहाँ नहीं होते, वो बाहर होते हैं। मैं चलूँ साथ? आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अच्छा तो फिर ठीक है, आप पैकिंग करें, मैं टिकट कंफर्म करवाता हूँ। अम्मी वो एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ है? सबाहत के साथ मैं लाहौर जा रहा हूँ। खैरियत? वो सबाहत की कजन है ना, क्या नाम है उनका, खतीजा बाजी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह खैर। वो मैंने टिकट भी कंफर्म करवा लिया। बेटा तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, सबाहत को जाने दो, आराम से आएगी। तुम्हारे होते हुए ना जल्दी आना होगा उसे। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन आप ये बिजनेस कौन देखेगा बेटा? ये भी है, लेकिन अम्मी सबाहत ने खुद ही कहा था कि मैं उनके साथ जाऊं, अब ऐसी सिचुएशन में मना भी नहीं कर सकता। अच्छा बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। लव यू। मैं जानती हूँ सबाहत तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाना चाहती है। आप ही ने सर चढ़ा के रखा है अम्मी चाची को, मैं होती ना तो सीधा करके रखती कसम से। अरे मैंने कौन सा सर चढ़ा रखा है उसे भाई, मैं तो सिर्फ शादी होने का इंतजार कर रही हूँ, फिर करूंगी राबिया को सीधा। कैसे होगी शादी, उन्होंने तो मंगनी खत्म कर दी। ऐसे मंगनी खत्म नहीं होती, पता नहीं समझती क्या अपने आप को। तो फिर क्या सोचा, करना क्या है आगे? आगे मैंने कुछ नहीं करना, अब जो करेगा ना वो उस्मान करेगा। वाह वाह वाह, लड़ाई झगड़े आप करें और निमटाए उस्मान, ये अच्छी की आपने। हाँ भाई, बेटे की मोहब्बत का कुछ तो फायदा उठाऊं ना मैं भी। वैसे अम्मी एक बात बताएं, चाची को गुस्सा किस बात पे आया? अरे मैं तो खुर्रम की खबर लेने गई थी, कहने लगी मेरा बेटा तो हर वक्त पढ़ता रहता है, बहुत ही होशियार है पढ़ाई में। मैंने भी कह दिया कि वो तो थाना पुलिस करके आया है। लम्बी आपने ये सब कह दिया? हाँ तो मुझे कौन सा किसी का डर है। हाँ आपको किस बात का डर, और बताए ना फिर क्या हुआ। मैंने कहा कि मुझे मालूम है सारा कॉलेज के बहाने क्या क्या गुल खिलाती फिर रही है और खुर्रम क्या क्या करता फिर रहा है। अरे तुम्हें खानदान पे नजर रखने से फुर्सत मिले ना तो बच्चों पे नजर रखो। बस भाई इस बात पे तो वो भड़क उठी। वैसे अम्मी इतना बोली है, बस एक बात बताऊं, मुझे भी उसके भड़कने पे बड़ा मजा आया। पैकिंग हो गई? जी कर रही हूँ। कमाल के कपड़े भी रख रही हो? जी। कुछ ज्यादा ही सामान नहीं पैक कर लिया? पता नहीं ना आंटी वहां कितने दिन रुकना पड़ जाए। तो कमाल को क्यों साथ ले जा रही हो, अकेली चली जाओ, जब दिल चाहे वापस आ जाना, और वैसे भी यहाँ बिजनेस कौन संभालेगा? आंटी बिजनेस से ज्यादा अहम मेरी जिंदगी की मुश्किलात है। तुम इस वक्त परेशान हो मैं कहना नहीं चाहती, दरअसल तुम्हें कमाल की मोहब्बत पर एतबार ही नहीं है। अगर भरोसा होता तो तुम इसे यहाँ अकेला छोड़कर जाती। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है सबाहत, तुम सालों से खुद से झूठ बोलती आ रही हो और अब भी बोल रही हो। अगर ऐसी बात नहीं है तो चली जाओ अकेले, ताकि तुम्हें कमाल की मोहब्बत पे भरोसा करने की आदत हो जाए। हाँ जी बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में। जी 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 ठीक है, ओके चले। आप नहीं जा रहे? मतलब? क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ। लेकिन क्यों? पता नहीं वहां कितने दिन लग जाए, बेहतर है आप यही रहे। मतलब सबाहत में कमाल ऑफिस भी तो है, पीछे से ऑफिस कौन देखेगा।
अच्छा चले ठीक है, ख्याल रखिएगा आप। आपको बाहर तक तो छोड़ सकता हूँ। चले चले।